हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ लौकी की रेसिपी लेके आए हैं दही के साथ, जो वो खाने में बहुत टेस्टी होगी और हेल्दी होगी। लौकी के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं कि ये शरीर को ठंडा रखती है और डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स विटामिन्स होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो लौकी, इसे हम छील लेंगे। लौकी को दही के साथ रेसिपी बनाने से इसका टेस्ट और हेल्थ बेनिफिट बढ़ जाएंगे। इसे हम फिर अब ग्रेटेड कर लेंगे कद्दूकस में। गर्मियों में ये खास रेसिपी है जो हमारे हेल्थ बेनिफिट में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। अब इसे हम एक भगोने में रख देंगे कद्दूकस की हुई लौकी को। उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और इसमें एक गिलास हम पानी डालेंगे ताकि इसे हम उबाल सकें नरम होने तक। इसे हमें पकाना है और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे और ढक्कन हटा के चेक करेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चलाकर। पानी इसमें नमक वमक सब मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे लहसुन की 6-7 कली, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक। इनका हम पेस्ट बनाएंगे और हम जो घिया ठंडा होने के लिए रखा था उसे हम इन मसालों में मिक्स करेंगे और इसकी एक पिट्ठी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। हमने एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला। अब हम दही लेंगे और उसमें जो हमने पिट्ठी तैयार की थी घी की, उसे हम मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छी तरह से। और जो हमने तड़का तैयार किया है, जीरे का कलर ब्राउन हो गया है, अब उसमें हम छौंक लगाएंगे, रायते को डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हम जब हम इसे सर्व करें, नमक हमें तभी डालें वरना रायता खट्टा हो जाता है अगर हम इसमें पहले ही नमक डाल देंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे एक सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। आप इसे इंजॉय करिए रोटी के साथ या कोई साइड डिश की दाल के साथ, सब्जी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।